नमस्कार, आप देख रहे हैं राजभर टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। शाहजहांपुर में 28 साल पहले 12 साल की लड़की से रेप करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो वहीं रेप करने वाला दूसरा आरोपी अभी फरार है। सगे भाइयों ने 28 साल पहले यानी कि 1994 में पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया था। इसके बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने माँ को न्याय दिलाने की पहल शुरू की। माँ ने बेटे के साथ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। फिर बेटे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें कोर्ट के आदेश से ये मुकदमा दिसंबर 2021 में पंजीकृत हुआ था। इसमें एक महिला ने दो अभियुक्तों पर आरोप लगाया था बलात्कार का। यह घटना उसने 26 वर्ष पूर्व की बताई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। पीड़िता का एक बेटा है, उसका डीएनए सैंपल और दोनों अभियुक्तों का डीएनए सैंपल मैच कराने के लिए भेजा गया था। परीक्षण परिणाम प्राप्त हुआ, जिससे यह ज्ञात हुआ कि जो है उस लड़के का जो है पिता उन दोनों अभियुक्तों में से एक व्यक्ति है, जिससे कि उसके आरोपों की पुष्टि हुई और एक आरोपी को अभी इसमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वही अगली खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में एक धर्म गोष्ठी का आयोजन श्री भगवत मंदिरम वृंदावन में किया गया। गोष्ठी में शाहपुर स्थित बिहारी जी के मंदिर पर अवैध कब्जा करके मजा बनाने वाले के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर रोष व्यक्त किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि पिछले 2.5 साल से लगातार धर्म रक्षा संघ शाहपुर स्थित बिहारी जी मंदिर पर अवैध कब्जे के मामले को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई जा रही, लेकिन यहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरसाना में पीपीपी मॉडल पर श्री लाडली जी मंदिर पर रोपवे निर्माण कार्य का शिलान्यास 23 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी तक रोपवे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। वृद्ध महिलाओं और पुरुषों में सहूलियत हेतु उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लाडली जी मंदिर पर रोपवे के निर्माण कार्य कराने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराया था। तो वहीं 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार आने पर रोपवे का निर्माण कार्य ठप हो गया। रोपवे के निर्माण कार्य में आ रहे अड़चनों को राज्य सरकार ने दूर भी किया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी रोपवे के निर्माण कार्य पूरे नहीं हो पाए। एक साल से काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, जब से काम जो है धीमा चल रहा था, अब जो है गति से चल रहा है काम, और 1 जनवरी तक जो है काम कम्प्लीट हो जाएगा। 1 जनवरी का लक्ष्य दिया है इसको? 1 जनवरी का लक्ष्य। अच्छा, ये जो रोपवे का निर्माण कार्य, अब यहाँ बारिश के मौसम में थोड़ा कम चल रहा है? बारिश के मौसम में कम चलता है, थोड़ा बंद हो जाता है बारिश के मौसम में, वैसे चालू रहता है। अच्छा, लॉकडाउन में कैसा काम था? लॉकडाउन की तो कुछ पता नहीं है, लॉकडाउन में यहाँ जनता ही नहीं थी जो है। लॉकडाउन में मतलब काम कम चला था यहाँ। जनपद मुजफ्फरनगर में एक खबर से अवगत कराएं, जहां महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, सशक्तिकरण और विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने अपने थाने क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, गांव, बाजार, सार्वजनिक स्थानों के आसपास मिशन शक्ति फेज 4 अभियान के अंतर्गत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। संगम नगरी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार एक के बाद एक हत्याएं होती जा रही हैं। तो ताजा मामला प्रयागराज के यमुना पार में मुफ्त की बतख के लिए दंपत्ति पर हमला किया गया, जिसमें पति की मौत हो गई, जबकि बीच बचाव करने आई मृतका की पत्नी जख्मी हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हम थे नहीं, 2 दिन हो गए हमको बनारस गए, हमसे कल बात हुआ जी, कोई बातचीत नहीं हुआ था। 3-4 आदमी आए बतख पकड़ने के लिए, मना किए। कहाँ के लोग थे जो बतख पकड़ने का आए थे? यही चुड़ियारे के हैं। चुड़ियारे के थे, कौन से कास्ट को हो? भारतीय हैं, काशी भारतीय। यहाँ से कब से रह रहे हैं? यहाँ लगभग आज 15 दिन हो गया। 15 दिन से आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? जिस दिन क्या है हमारा साला लगते हैं। आप भी यहाँ रहते थे? हम भी रहते थे, 2 दिन हो गया नहीं। जिनकी मौत हुई, प्रयागराज मंडल के नवनियुक्त कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को बड़ी चुनौती बताते हुए उसके लिए बड़े काम करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में अधिकारियों की एक अच्छी टीम है और सभी ने समन्वय से महाकुंभ को बेहतर आयोजन किया जा सके, इसके लिए प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ पर कुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हुआ है, उसको लेकर के और उसे बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
मथुरा के राया में एचटी लाइन टूटने से किसान पुत्र की मौत हो गई। खेत में पानी लगाते समय हादसा हो पूर्व प्रधान वीरपाल और पिता की मौत हो गई। हादसा मथुरा जनपद के राया के गांव ककरीटिया खेत में हुआ है। खेत पर पानी लगाने के लिए खेत में घुसे थे किसान पुत्र और पिता। बिजली से करंट आने पर दोनों की मौत हो गई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कुंडा तहसील में राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह को डीएम और एसपी मनाने पहुंचे हैं। राजा भैया के दोनों बेटे भी धरना स्थल पर पहुंचे। धरने पर बैठे राजा प्रताप सिंह की करीब 11 बजे तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम चेकअप के लिए पहुंची। बता दें कि शेखपुर गांव की सड़कों पर विशेष समुदाय द्वारा लगाए गए गेट की हटाने को जिद पे अड़े हुए राजा भैया के पिता हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने पर राजा भैया के पिता ने ट्वीट करके आपत्ति जताई। प्रयागराज पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने अपने ही कैराबाइन गन से गोली मारकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि छुट्टी न मिलने की वजह से मानसिक तनाव में आकर आकाश कुमार ने आत्महत्या कर ली। पुलिस लाइन में गोली चलने की आवाज पर पुलिसकर्मी भागकर आकाश की ओर गए। गंभीर अवस्था में घायल पड़े आकाश को आनन फानन में स्वरूपी परानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वाराणसी ग्रामीण से खबर है, जहां आगामी मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले थाना लोहता में पीसी कमेटी की बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने शिरकत किया। बैठक में ताजिए के मार्ग आदि को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।